क्या आपके कभी दुर्भाग्यशाली पड़ोसी रहे हैं? आप जानते हैं, लाउड संगीत सुनना, अस्वच्छ रहना, खराब नागरिक भावना, झगड़े करना, घरेलू हिंसा आदि। अगर हाँ, तो अब उस अनुभव की गंभीरता को कई गुना बढ़ा दीजिए। नतीजा इस काम के कलाकार गोविंद बिस्वास की जिंदगी है। अपने सबसे खुशी के पलों में भी कलाकार इस रियलिटी का हिस्सा होते हैं। पेंटिंग करते समय वह इसी रियलिटी के बारे में सोचते हैं। क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद विश्वास और आप देख रहे हैं आर्टिस्टी प्लस चैनल। यदि आप आर्ट के विषय में और जानकारी चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आर्टिस्ट्री प्लस के इस एपिसोड में हम सुप्रीमेसी इन रियलिटी, वास्तविकता में प्रधानता, जो गोविंद बिस्वास द्वारा बनाई एक एक्रेलिक पेंटिंग है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ समय के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक सीन के बारे में सोचें। पारिवारिक कलह, लोकल माफिया, गुंडा राज, गर्मी, बंजर जमीन, पंचायतें इत्यादि, समझे, द वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट। लेकिन यह फिल्म नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह वास्तविकता है। दिस इज रियलिटी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थापित एक कहानी। गोविंद हमें बताते हैं कि वह इस छोटे से गांव की घटनाओं के नरेटर हैं और इस भूमि की घटनाओं के एक कलाकार भी, जिस भूमि के वह हैं, और या शायद वह ऐसा सोचते हैं। कलाकार एक पावरफुल और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल परिवार से आते हैं, अपने दादा के माध्यम से जिनके पास जमीन है। हालांकि गोविंद कलात्मक नींव से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जो बड़ौदा स्कूल से प्रेरित है। सुप्रीमेसी इन रियलिटी इसी पर आधारित है। सामान और कहानियों का एक सम्मेलन इस काम की कथा बनाता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, लैंड ओनरशिप और एक नो मैन्स लैंड, ऐसी सी है यह जगह। कलाकार जो बात कर रहे हैं वह उस जगह के लोगों और उसकी कच्ची वास्तविकता के बारे में बताता है। एक अधर्म भूमि, अ लॉलेस लैंड। यहाँ कोई सरकारी शक्ति या नियंत्रण नहीं है। यहाँ आदमी आदमी का सामना करता है और अपने अधिकार के लिए लड़ता है। यहाँ लोगों के लिए शक्ति, नियंत्रण और एकाधिकार प्रतीक है। कलाकार की मातृभूमि की यादें उनके दिमाग पर मंडराती रहती हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि किसी जगह को घर कहने का क्या मतलब होता है। उन्हें विशाल हवेलियां, प्रदर्शन पर गर्वित बंदूकें और लाइन ऑफ कंट्रोल भी याद है। इस भावना का माहौल बनाने के लिए घरों को मानो अंतरिक्ष में बिना जमीन पेंटिंग पर मौजूद रखा है। जमीन को आकाश की तरह चित्रित किया गया है, फ्री, क्लीन, ओपन एंड बॉटमलेस। आकाश का नीला बेस है जो एक अनंत भूमि, इन्फिनिट लैंड का आभास देता है। आर्टिस्टिक सरकैज़म एट इट्स बेस्ट, क्योंकि सच्चाई पूरी तरह विपरीत है। इसे एक्रेलिक पेंटिंग के माध्यम से वेट ऑन वेट टेक्निक से बनाया गया है। बेस कोट गीला होने के कारण रंगों को नेचुरली मर्ज होने की अनुमति मिलती है। कुछ जगहों पर पेंट पर सीमित नियंत्रण है, यह ग्रेविटी पर निर्भर करता है कि वह पेंट किधर जा रहा है। अब जरा देखिए, यहाँ जो घर है वह तैरते नजर आते हैं। घरों में कोई स्थायित्व, कोई परमानेंस नहीं है, उनकी एक तैरती हुई उपस्थिति है। घर का एहसास नहीं है, अपनी जमीन खोने का एक भारी दबाव है जो कलाकार को हर समय एक रेफ्यूजी की तरह फील कराता है। गोविंद के जीवन का यह भारी अतीत उनके काम को संचालित करता है। एक स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव राजनीतिक हवा है, लेकिन संगठित या ऑर्गेनाइज्ड सरकार का कोई निशान नहीं। पेंटिंग में रेखाएं नहीं जुड़ती, लोग नहीं जुलते, गांव नहीं मिलते। क्या यह मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब साइकोलॉजिकली, डरावना या दुखद नहीं है? यहाँ के निवासियों के दिलों में दर्द और आघात रहता है।
गोविंद अपने गांव को लगभग मानो एक पंछी की नजर से देख रहे हैं, जैसे कि किसी उड़ान को भरते हुए। वह अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके तरफ अरुचि भी जताते हैं। हमें कभी पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कल्पना करें, जिसे हम घर कहते हैं, उसे खोने के डर से जीने की कल्पना। तो अब बताइए, क्या आपके पास बुरे पड़ोसी रहे हैं? यह जो एक शापित बंदूक है, गोविंद की है या उसके पड़ोसी की? अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और आने वाली आर्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।